पहले एप्लीकेशन मेरा लगवा के आया था मैं, पहले चोरी हुई थी। पहले भी चोरी हुई थी, वो गल्ला ही ले गए उठा के। केस होता है जो सालाना या 6 महीने का, सारा गायब हो चुका है। हनुमानगढ़ के नज़दीक गांव ज्वालाचक के काली माता मंदिर के ताले टूटे, नकदी व गुल्लक तक गायब। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। दोस्तों बात करते हैं शहर में हो रही चोरियां। शहर में चोरियों के साथ साथ अब इसकी हद बढ़ती हुई गांवों तक पहुंच गई है। धार्मिक स्थल इसके मुख्य व मेन टारगेट हैं। ऐसा ही एक मामला गाँव ज्वालाचक के अंदर का हुआ, जहाँ काली माता का मंदिर जो कि प्राचीन है, यहाँ मध्य रात्रि को अज्ञात लोगों ने चोरी की। आप देख सकते हैं किस तरह से, आपको दिखा रहा हूं। ये मंदिर सतीपुरा से टाउन रोड को जोड़ने वाली बाईपास रोड के मुख्य सड़क के ऊपर ही है। चहल पहल सारे दिन यहां रहती है, शाम को भी यहां ट्रैफिक चलता रहता है। चोरों के इतने हौसले बुलंद थे कि उन्होंने किसी तरह की परवाह नहीं की, कुछ भी नहीं, चोरों ने बड़े ही आराम से यहाँ आकर चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने गुल्लक यही मंदिर परिसर के अंदर ही बैठकर तोड़ा, वह एक साथ के और मंदिर में से गुल्लक तक को उठा के ले गए। किसी ने कुछ देखा नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। मंदिर के पुजारी भागीरथ ने बताया कि किस तरह से शाम को रोजाना की तरह 8:15 बजे वह आरती कर मंदिर को ताला लगाकर अपने घर पर गए। सुबह पूजा अर्चना के लिए जैसे ही नहा धोकर वह मंदिर पहुंचे, सुबह 6 बजे के आसपास रोजाना की तरह, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के ताले टूटे हुए हैं। मंदिर के ताले टूटे होने देखकर उन्होंने अंदर देखा तो गुल्लक भी टूटा हुआ था। उन्होंने आसपास के लोगों को एकत्रित किया, आसपास के लोगों को बताया और दिखाया कि किस तरह से यहाँ क्या क्या मामला हुआ है। ज़्यादा पड़ताल करने पर पता चला कि दोनों ही मंदिरों के ताले टूटे हैं। एक मंदिर का गुल्लक वहीं बैठकर चोरों ने बड़े ही आराम से नकदी लेके गए। नकदी कितनी थी ये भी भागीरथ ने बताया। दूसरे मंदिर का गुल्लक तक भी वह साथ में ले गए। पहले भी इस तरह की चोरी इस मंदिर में हो चुकी है, मगर आज तक चोर पकड़ में नहीं है। भागीरथ व अन्य लोगों ने यहाँ बताया कि उन्हें शक है कि शहर में बढ़ रहे नशा प्रवृत्ति के कारण ही लोग इस तरह के कार्य को अंजाम दे रहे हैं, और पुलिस प्रशासन व आम लोगों से अपील की कि वे इस तरह के मामलों से बचने के लिए धार्मिक स्थलों की मदद के लिए सामने आए, और जल्द से जल्द प्रशासन से भी उम्मीद रखते हैं कि वे इस तरह की कार्रवाई करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको दिखाता हूं और बात कराता हूं आम लोगों से। मैं भागीरथ पुजारी हूं मंदिर का, ठीक है। सुबह शाम को मैं 8:30 बजे मंदिर मंगल करके जाता हूँ। सुबह 6 बजे आया, आके देखा गेट का ताला टूटा हुआ है, गले का ताला टूटा हुआ है। मैंने ये नहीं देखा कभी कि अपनी शेडियों तोड़ा है, किसने तोड़ा है, ये मेरे को नहीं पता। है नुकसान गल्ले में पैसे थे, वो पैसे ले गया और कुछ नहीं उठाया उन्होंने, पैसे ही निकाला उन्होंने। दूसरे एक मंदिर हो रहा है इसके साथ में, हाँ उसका गुल्क ले गया उसका चक। कितना कैश निकलता है केस? कोई जैसे 2000 हो जाए, 3000 हो जाए, इतना निकलता है। महीने में जो 6 महीने में एक बार खोलते हैं। कितना कैश निकलता है? बस दो, जैसे किसी भाई कट ज़्यादा हो जाता है 5000 भी हो जाता है ऐसे निकलता है। कितना टाइम पहले खुला था आपका ये? रातों में खुला था। पुलिस में कोई कंप्लेंट वगैरह? ना कुछ नहीं किया अभी, कुछ नहीं किया। पहले एप्लीकेशन मेरा लगवा के आया था मैं, पहले भी चोरी हुई थी, वो गल्ला ही ले गए उठा के। महेश कुमार, क्या घटनाक्रम बताएंगे? घटनाक्रम क्या, पुजारी जी सुबह आए यहाँ पे तो देखा उन्होंने ताला टूटा हुआ है दोनों मंदिरों का, और बाद में सबको इन्फॉर्मेशन की, गांव वाले सारे इकट्ठे हुए यहाँ पे, और दोनों एक मंदिर का तो गल्ला ही नहीं है वो उठा के ले गए, और एक में सारे पैसे गायब हैं। जितने भी कैश होता है जो सालाना या 6 महीने का, सारा गायब हो चुका है। और हम तो प्रशासन से यही कहेंगे कि इससे सख्त कार्रवाई की जाए, और जो भी गांव में या शहर में जो भी नशेड़ी घूम रहे हैं इधर उधर, उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। पहले भी ऐसा एक घटना हो चुकी है? पहले भी मंदिर में चोरी हुई है, उसकी रिपोर्ट भी दी है पुलिस को, पर उस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो मंदिर की बाउंड्री वगैरह भी ऐसे छोटी सी लग रही है कुछ? बाउंड्री बहुत छोटी है, और आराम से कोई भी आ सकता है अंदर।
तो यहाँ कोई रात को होता नहीं है? कोई नहीं होता रात को।